सास बहू बनी बेस्ट फ्रेंड। आज गोदावरी देवी का मन खुशी से गदगद था। आखिरकार आज गोदावरी देवी सास जो बनी थी, घर का कोना कोना हंसी ठिठोली से जी उठा था। औरतों के झुंड में बैठी सास एक के बाद एक नई बहू की रस्में निभा रही थी। नरगिस बहू, आज से ससुराल की बागडोर तेरे हाथों में है। अब इस घर आंगन को तुझे ही संभालना है। अब अपनी सास को जिम्मेदारी से छुट्टी दे। सास बड़े ही खुश मन से अपनी नई बहू से मन की बातें खोल कर कह ही रही थी कि तभी रज्जो बीच में बोलती है, अरे इतनी भी क्या हड़बड़ी है? जो आते ही उस पर घर बार और तिजोरी की जिम्मेदारी का बोझ लाद रही है, तू जरा मेरे साथ आ। रज्जो गोदावरी की कलाई खींचते हुए उसे कोने में लाकर फुसफुसाती है। अरे सास बनने की खुशी में पगला गई है क्या? पहले कुछ दिन अपनी बहू को समझ बूझ कर तो देख। अरे ये सतयुग नहीं, जो सीता गौरी जैसी बहू आएगी। घोर कलयुग का जुग जमाना है। आज की बहू चट टेढ़ी खीर है। पता नहीं पर तेरी बहू जाने क्यों पर तीखी मिर्चाई लग रही है। तू इसे ढील मत छोड़ना वरना आसमान नापती फिरेगी नाशपीटी। अच्छा चलती हूँ। गोदावरी अपनी सखी रज्जो की राजनीति में आ जाती है और उस रात खुद से बोलती है, रज्जो की बात ने तो मेरी सोचाहट ही बदल दी। कहा तो मैं सोच रही थी कि अपनी बहू के साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर रहूंगी, मगर अब उसे परखना ही पड़ेगा। अगली सुबह नरगिस सुबह उठकर सारा काम धाम खत्म करके सभी के लिए खाना बनाकर मेज पर परोसती है। अरे वाह नरगिस बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, मन खुश कर दिया। सच नरगिस स्वाद से लेकर मिर्च मसालों के मामले में तो एकदम माँ के जैसा नपातुला हाथ पाया है तुमने। अब स्वाद का ज्यादा शेक ही ना बघारो तुम दोनों बाप बेटे, वरना बहू रानी का हाथ बहकते देरी ना लगेगी। अपनी सास की खटास देखकर बहू का मुस्कुराता चेहरा मुरझा जाता है। ऐसे ही हर दिन सास बहू के साथ हर छोटी बड़ी बात को लेकर खटपट किया करती थी। नरगिस बहू, ये कैसे बेढंग बर्तन मांजे है तूने? खाने में तो 10 जनों की खुराक भी अकेले खा जाती है, मगर एक बर्तन का झूठन नहीं जाता। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने तो बर्तन हाथ गड़ाकर मांजा खंगाला था, पता नहीं कैसे छूट गया झूठन। मैं दोबारा धो दूंगी। फिर उसी रात, नरगिस बहू कहाँ है तू, जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया। अरे तेरी आंखें है कि बटन, उलुल जुलुल तरीके से सफाई करती है, ऊपरी झाड़ पोछ करती है, कोने कोने का कचरा निकालने कबाड़ी वाला उठाने तो आएगा नहीं, हद होती है काम चोरी की। सास बिना रुके बहू पर कुड़कुड़ा रही थी कि तभी उसे जोरों की खांसी उठती है। माँ जी आप ज्यादा मत बोलिए, आपकी सेहत बिगड़ रही है, चलिए मेरे साथ। बहू सास को बिछौने पर लाकर लिटा देती है और झट से डॉक्टर को घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ ठीक तो है ना? देखिए इन्हें कोई बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है, आप इन्हें खुश रखिए। बहू अपनी सास की सेवा बाड़ी में लग जाती है। वो आठों पहर उसके खाने पीने का खास ख्याल रखती है। अब सास को भी बहू का साथ भाने लगता है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म सूप पी लीजिए। अरे बहू, अब तो मेरी तबीयत हरी भरी हो गई है, अब तो ये कड़वे सूप का स्वाद मत चखा। इतना सारा मुझसे अकेले नहीं पिया जाएगा। ठीक है तो हम दोनों सास बहू आधा आधा सूप मिल बांट कर पी लेंगे। दोनों सास बहू सहेलियों की तरह हंसी ठिठोली करती हुई सूप खत्म करती है। बहू के सेवा बाड़ी से गोदावरी की तबीयत टनाटन हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक सुबह, इतनी देर हो गई, अब तक बहू कमरे से बाहर नहीं आई, शायद मैंने उस पर कामों का बोझ ज्यादा ही दे दिया है। भोर की उठी सारा दिन एक पाँव पर देर रात तक नाचती रहती है और आधी अधूरी नींद लेकर जाग जाती है। चल गोदावरी, आज किचन में करछी चमचा चलाने की बारी तेरी है। सास फूर्ति का फेंटा बांधे किचन में खाना बनाने लगती है। तभी खिटपिट की आवाज से बहू की आंख खुल जाती है और वो झुंझलाकर उठ जाती है। तभी उसकी नजर घड़ी पर घूमती है। मैं इतनी देर तक सोती रह गई, चल नरगिस। बहू हड़बड़ाती हुई नहा धोकर नीचे आती है, जहाँ सास पति और बेटे को खाना परोस चुकी थी। आजा बहू, तू भी बैठ जा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं आज कैसे मेरी आंख नहीं खुली और मेरे रहते आपको खाना बनाना पड़ा।
बहू को एक साथ में बोलता देखकर सास हंसती हुई कहती है, बस बहू थम जा, तू भी इंसान है, रजनीकांत का बनाया रोबोट थोड़ी जो सारा काम तेरे जिम्मे ही है। अगर एक दिन तेरी सास ने खाना पका दिया तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा। सास की मेल मिलाप भरी बातें सुनकर बहू की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगते हैं। बस बहू अब अगर आंसुओं का स्वाद चख लिया हो तो सास के हाथों बने खाने का स्वाद भी चख ले। भरवा भिंडी बनाई है, तुझे बहुत भाती है ना? मगर माँ जी आपको मेरे पसंद के बारे में कैसे पता? क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है बहू, इसीलिए तेरे साथ रहकर इतना तो पता चल ही गया है। अब खाकर बता कैसा बना है। बहुत अच्छी भरवा भिंडी बनाई है माँ जी आपने, ये मेरी खुशनसीबी है जो मुझे सहेली जैसी सास मिली। आज मेरे मन के अंदर का सारा खौफ खत्म हो गया। भाई वाह, सास बहू को दो धारी तलवार बनता तो देखा था, मगर आज जो है बेस्ट फ्रेंड बनते पहली बार देखा है। बस करो तुम दोनों बाप बेटे, हम सहेली सास बहू को नजर ना लगाओ। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और दोनों सास बहू सहेली की तरह हर दिन बिना किसी खटपट के खुशी से बिताती रहती थी। वो हर काम मिल बांट कर करती थी, मगर कुछ ही दिनों बाद दोनों सास बहू एक साथ बीमार हो जाती हैं। माँ क्या बात है, आप सास बहू में तकरार हुई है क्या? जो किचन कदम सुना पड़ा है, लगता है आज हम बेचारे बाप बेटे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अरे नहीं बेटा, बहू का तन बदन बुखार के मारे भट्टी के जैसे धधक रहा है और मेरी भी तबीयत ढीली है। अब ऐसे में बहू पर कामों का बोझा थोपना भली बात नहीं, आज बाहर से खाना मंगा लो। वो क्यों भला भाग्यवान, हमारे रहते बाहर से खाना, आज खाना सास बहू के पति पकाएंगे। मगर अगर मगर कुछ नहीं माँ, जब सास बहू का तकरार भरा रिश्ता बिना नोक झोंक या खटपट किए खुशी से बेस्ट फ्रेंड बनकर रह सकते हैं, तो हम एक दिन के लिए जोरू का गुलाम बनकर क्यों नहीं रह सकते? ये सुनकर सास का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है, जिसके बाद दोनों के पति खुशी से रसोई में खाना पकाते हैं और सास बहू सोफे पर बैठकर उन्हें फरमाइश पेश करती हैं। पिताजी, इन बेस्ट फ्रेंड सास बहू के चक्कर में हम बाप बेटे थे, आज बावर्ची बन गए हैं। मगर बेटा, अगर साल के 12 महीने ये सास बहू हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख सकती है, तो एक दिन के लिए हम बावर्ची बन के घर में खाना नहीं बना सकते हैं क्या? देख रही है माँ जी, हम सास बहू बेस्ट फ्रेंड क्या बनी, ससुर जी और रंजीत हमें देख रसोई में खड़े हैं। सो तो है बहू, काश कि हर घर की सास बहू सहेलियां बनकर रहती तो सास बहू के बिगड़ते बदलते रिश्तों का सिलसिला खत्म हो जाता। ऐसे ही आगे भी गोदावरी और नरगिस बेस्ट फ्रेंड सास बहू बनी रहती हैं और उन्हें देखकर कई सास बहू के बिखरे रिश्ते भी सिमटने लगते हैं। ये कहानी है उमा देवी और उसकी दो बेटियों मेघा और ख्याति की। मेघा काफी काली थी, मगर उसका स्वभाव बहुत ही मधुर और सादगी भरा था। मगर उमा के लिए मेघा की उपाधि एक गंवार की थी। वहीं ख्याति, जो कि शहर में रह रही थी, वो अपने शहरी बोलचाल के कारण माँ की चहेती थी। इसी फर्क और फासले के साथ दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थी। मेघा, अरे ओ मेघा, अरे मेघा कहाँ मर गई, जल्दी यहाँ आ। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? हे भगवान, ये क्या सतरंगी सूट पहन दिया है तूने? अरे तेरी बहन पूरे 2 साल बाद शहर से आ रही है, कभी तो अपनी गवार पंती को पोटली में बांधकर रख दिया कर। अपनी माँ का खटास भरा बर्ताव देखकर मेघा मन ही मन टूटा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बीतने के बाद दरवाजे पर एक दस्तक होती है, सामने ख्याति खड़ी होती है। उसने शॉर्ट ड्रेस और लॉन्ग ब्लैक बूट पहना हुआ था। हे मॉम, मैं आ गई। अरे ख्याति, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही, एकदम शहर की गोरी मैम साहब की तरह लग रही है। अपनी शहर से आई बहन से मिलने की ललक में मेघा भागती हुई ख्याति की ओर बढ़ती है। तभी उसके पैरों की पायल की छनक से दांत पीसती हुई ख्याति कहती है, ओह गॉड, स्टॉप दिस वायलेंस मेघा। ख्याति, 2 साल बाद भी तूने अपनी बहन को पहचान लिया? वो इसलिए क्योंकि ऐसी बेढंगी हरकत मेरी गांव की गवार बहन के सिवा कौन करता है। अपनी शहरी बहन को देखो, कितनी क्लासी और कितनी कूल लग रही है। एनीवे, प्लीज साइड हो जाओ। शहर से आई अपनी घमंडी बहन की बातें सुनकर मेघा खामोश खड़ी रह जाती है। अगली सुबह मेघा खुशी से अपनी बहन के कमरे में आती है। ख्याति देखो, मैं तुम्हारे लिए अदरक इलायची की गर्मा गर्म चाय लाई हूँ, वो भी मलाई मार के, पी कर देखो तुम्हें पसंद आएगी। मेघा, तुम्हारे भेजे में भूसा भरा है क्या? अरे शक्ल तो सुंदर है नहीं, हरकत तो अच्छी किया करो।
बगैर नॉक किए घुसपैठिए की तरह अंदर चली आई। थोड़ी तो सेंस लगाया करो। ओह, कहाँ से होगा सेंस, मंदबुद्धि ने पढ़ाई ही मैट्रिक तक की है, गवार की गवार ही रह गई। ख्याति, गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है, ये लो चाय पी लो। मेघा मुस्कुराती हुई अपने शहर की बहन की तरफ चाय का कप बढ़ाती है। ख्याति खिसिया कर चाय को हाथ मार कर गिरा देती है। सारी चाय मेघा के हाथों पर छलक जाती है। आह माँ, मेरा हाथ। अरे ये कैसा शोरगुल है, देखो ना माँ, मेरी इस काली बहन ने सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही करके रख दिया है। माँ, मैं तो सिर्फ ख्याति के लिए चाय लेकर आई थी। अरे बंद कर अपनी सफाई पेशी, ख्याति शहर में रहती है, इसका खान पान पहनावे ओढ़ावे का अलग हिसाब किताब है। शायद तुम्हें माँ की बात पल्ले पड़ गई होगी, अगली बार से मेरे लिए चीनी कम चाय मत लाना। अपनी माँ और बहन के एक से सुलूक से मेघा मन ही मन घुटती रहती है। कुछ ही दिनों के बाद ख्याति शहर वापस लौट जाती है, जिसके कुछ दिन बाद मेघा का भाई भावेश अपनी पत्नी प्रोनिता के साथ गांव आता है। अरे भावेश भैया, आप यूँ अचानक बिना किसी चिट्ठी संदेश के? अभी मेघा ने ऐसा कहा ही था कि बगल में खड़ी उमा उसे चिकोटी काटते हुए फुसफुसाती है। जब मुंह खोलती है गवार बोली बोलती है, कैसी मॉडर्न बेटी है मेरी, ये तेरी भाभी है, शहर से आई है। ये सुनकर मेघा के मन में अपनी शहरी बहन ख्याति का खौफ उमड़ पड़ता है। वो बिन कुछ कहे कमरे में चली जाती है। अगली सुबह प्रोनिता मेघा के पास आती है। मेघा, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? अरे प्रोनिता भाभी, आइए ना आप मेरे कमरे में, कोई काम था क्या? कुछ नहीं, बस अपनी प्यारी ननद के लिए चाय लाई हूँ, आओ साथ बैठकर चाय पिए। मेघा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी भाभी का बर्ताव उसकी बहन से बिल्कुल अलग था। कहां उसकी खुद की बहन ख्याति उसके काले रंग को देखकर कुड़कुड़ाती थी, उसकी आंखों में उतरे आंसू देखकर प्रोनिता पूछती है। क्या हुआ मेरी प्यारी ननद, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं भाभी, बरसों से जिल्लत से जीने की आदत पड़ गई थी, सभी मेरे काले रंग को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, मगर आपने मुझे मान दिया है। अरे मेघा, रंग रूप तो भगवान की देन है, इसमें कुड़कुड़ाना कैसा, आज से मैं तुम्हें शहर के तौर तरीके सिखाऊंगी और तुम मुझे गांव का रहन सहन सिखाना। कुछ ही दिनों में मेघा अपनी भाभी के साथ घुल मिल जाती है। अब मेघा का मुरझाया चेहरा हर दिन खुशी से खिला खिला रहने लगा था, मगर ये खुशी क्षण भंगुर हो गई जब उसकी बहन ख्याति एक बार फिर शहर से गांव वापस आई। इस बार उसके साथ उसकी सहेली सेल्वी भी साथ थी। मम्मी कहाँ है, आप जल्दी से बाहर आइए, ये तो ख्याति की आवाज है, जाकर देखती हूँ। मेघा ख्याति से मिलने के लिए खुशमन से अपनी भाभी के साथ बाहर आती है। ख्याति, तुम आ गई? ख्याति, ये गांव की ब्लैक ब्यूटी इस घर की मेड है क्या? इसका लुक तो देखो, काले रंग पर तड़कता भड़कता सलवार सूट और सितारों भरा दुपट्टा, ऐसा लग रहा है जैसे 70 सेंचुरी की सारा बानो हो, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे बदकिस्मती से ये ब्लैक टी मेरी बहन है। शेल्वी अब खड़ी क्या हो, ये लगेज अंदर लेकर चलो। ख्याति का खटास भरा स्वभाव प्रोनिता को खटक जाता है और वो बोल पड़ती है। मेघा, ख्याति कितनी अकड़ू किस्म की है, गैरों के आगे अपनी खुद की बहन की ऐसी बेइज्जती कोई करता है क्या? भाभी जाने दीजिए, अगर ख्याति को ऐसा करके खुशी मिलती है तो मुझे ये भी मंजूर है। मेरे और इसके बीच बसा गांव और शहर का फासला बचपन से है, जिसकी नींव माँ ने काले गोरे की दीवार से खड़ी की। शुरू में तो ख्याति मेरे काले रंग से कटी कटी रहती थी, मगर जब से ये शहर गई है वहीं के मॉडर्न माहौल में घुस गई और गांव की मिट्टी का मोल भूल गई है। इतना कहकर मेघा चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद उमा मेघा को आवाज देती है। मेघा, अरियो मेघा, कहाँ है कल्लो माई? जी माँ, बुलाया। हाँ, जल्दी से इस टब के गुनगुने पानी में ख्याति और शेल्वी के पांव धो दे, सफर की थकावट उतर जाएगी इससे। जी माँ। ठहरो मेघा, तुम इनके पैर नहीं धोगी, बस अब तुम्हारी और बेइज्जती नहीं होगी। अरे प्रोनिता भाभी, ये बेइज्जती नहीं बल्कि इस कल्लो माई की खुशनसीबी है जो इसे ख्याति के गोरे पांव धोने को मिले हैं, इस बहाने इसके काले हाथ तो चमक जाएंगे। यू आर राइट ख्याति, वैसे भी ये काम इस गवार पर एब्सोल्युटली सूट कर रहा है। अरे प्रोनिता बहू, पांव ही तो धोने हैं, क्या पता पानी में हाथ पड़े तो इसके तन पर चढ़ी कालेपन की पपड़ी उतर जाए।
अपनी माँ और बहन से काले रंग पर मिले तीखे ताने सुनकर मेघा के मन का दुख उमड़ पड़ता है। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर उफन पड़ता है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। बस माँ, आखिर मेरे साथ ऐसा दोहरा बर्ताव क्यों? इसलिए कि मैं ख्याति की तरह शहरी पहनावा नहीं पहन सकती, या इसलिए कि वो शहर में और मैं गांव में होकर रह गई, या इसलिए कि मैं काली और वो गोरी है? और कितना तिरस्कार सहूं मैं, दोनों बहनों को एक ही कोख जन्म देने के बावजूद भी आंचल सिर्फ एक को क्यों माँ, और क्यों मुझे अलगाव मिला? मेघा के सवालों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसका कथन खरा सच था। तभी प्रोनिता ने कहा, देख लिया माँ जी, आपके ओछेपन ने मेघा को क्या बना दिया है। भगवान का बनाया हर शख्स अपने आप में अधूरा है, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी। तू सही कह रही है बहू। मेघा, अपनी माँ को माफ कर दे बेटी। माँ होके भी मैं तेरे दर्द को कभी बांट ना सकी। सॉरी मेघा, शहर जाकर मैं वहीं की भाषा बोलने लगी थी, कभी तुमसे मीठे मुंह बात नहीं की, मेरी भूल सुधारने का एक मौका दे दो। मेघा ख्याति के गले लग जाती है। आखिरकार बरसों बाद दोनों बहनों में अपनापन लौट आया था। इसी के साथ गांव की काली और शहर की गोरी बहन की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ओफो माँ जी, ये रेगुलेटर तो फिर से खराब हो गया। देखिए गैस लीक होने के कितनी स्मेल आ रही है, हमें अभी नया रेगुलेटर लाना होगा। ठीक है बहू, हम दोनों अभी बाजार चलते हैं, वैसे भी किचन का और भी सामान लाना है। दोनों सास बहू अपने पतियों के पास जाती हैं, जहां दोनों बाप बेटे ताश खेल रहे थे। अजी सुनिए, बहू और मैं बाहर जा रहे हैं, आप रसोई में मत जाना, रेगुलेटर खराब हो गया है तो गैस ऑन मत करना। ठीक है, जल्दी आना। अजी आपने सुन लिया ना धनुष जी, प्लीज हमारे पीछे कुछ भी खाना मत बनाना, हमारे आने तक इंतजार कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। अरे आप दोनों ने सुन लिया ना, हम जा रहे हैं, आकर आपकी 4 बजे वाली चाय बना देंगे। अरे माँ कितना बोलोगी, जाओ ना, सब सुन लिया। अच्छा ठीक है। ये कहकर दोनों मार्केट जाकर सामान खरीदने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर दिवाकर अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा अब मैं बहुत बोर हो गया हूँ, ये खेलते खेलते ऐसा कर 2 कप चाय बना ले। ठीक है पिताजी। अरे माँ और सुरेखा कुछ कह रही थी जाते वक्त, आपने सुनी क्या उनकी बातें? अरे पता नहीं क्या कह रही थी, तुझे तो पता ही है कहीं भी जाएंगी तो 10 बातें सुना कर जाएंगी, ये मत करना वो मत करना, इनकी छोड़ तू चाय लिया मेरे लिए। ठीक है पिताजी। ये कहकर धनुष चाय बनाने चला जाता है। वो जैसे ही गैस को ऑन करता है तो सिलेंडर के ब्लास्ट से एक बड़ा धमाका होता है जिसमें दोनों मर जाते हैं। तभी बात करती हुई दोनों घर की तरफ पहुंचती हैं। अरे माँ जी आपने नॉनस्टिक तवा देखा था, उस पर कितनी छूट थी, अच्छा हुआ हमने ले लिया। हाँ बहू और उसके साथ फ्री चम्मच का सेट भी मिल गया। अरे तुम दोनों यहाँ हंस रही हो और वहाँ तुम्हारा घर जलकर खाक हो गया है। चलो शुक्र है तुम दोनों बाहर थी और तुम दोनों के पति ऑफिस में है ना? क्या घर में आग लग गई? नहीं नहीं बहू जल्दी चल। ये कहते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और उनके हाथ से सामान गिर जाता है। वो भागी भागी अपने घर की ओर जाती हैं, जहां 2-3 औरतें उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, अरे पागल हो क्या तुम दोनों जो इस आग में झुलसने जा रही हो? अरे माया हाँ छोड़ मेरा हाथ, अरे अंदर मेरे पति और मेरा बेटा है, छोड़ मुझे, मेरा बेटा जल रहा है, अरे कोई बचाओ मेरे परिवार को बचाओ। अरे जाने दो मुझे, छोड़िए मुझे, अंदर है वो, मुझे पापा जी और धनुष को बचा कर लाना है। सुरेखा तुम पागल हो गई हो क्या? आग की लपटें देख कितनी तेज है, तू पास भी नहीं जा सकती, अब तक तो वो दोनों बचे भी नहीं होंगे। अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ मेरे पति को, पापा जी भी बिल्कुल ठीक है ना माँ जी? लगता है यहाँ कोई सिलेंडर फट गया है जिससे पूरा घर विस्फोट हो गया। तभी फायर ब्रिगेड आकर घर की आग को बुझाते हैं और अगले ही पल दोनों सास बहू सफेद साड़ी में गुमसुम बैठी हुई थी, जहां उनके पतियों की लाश पूरे तरीके से जल चुकी थी। तभी सुरेखा का भाई आकर कहता है, बस मेरी बहन शांत हो जा, विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता, पर ये सब कैसे हो गया? क्या कहूँ, किसको कसूरवार ठहराऊं भैया, शायद समय ही गलत चल रहा था, गैस के सिलेंडर का रेगुलेटर खराब हो गया था,
इन दोनों को कह कर गए थे कि रसोई में मत आना, पर शायद उन्होंने गैस ऑन किया होगा जिस वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अरे मेरे बच्चे को ले आओ कोई, अरे मेरे पति को ले आओ कोई, अरे मैं मर जाऊंगी, कैसे रहूं मैं, दोनों छोड़कर चले गए हम दोनों को। माँ जी, सुरेखा, आप दोनों संभाले खुद को, इस नाजुक मोड़ पर मजबूत होना होगा आपको। मैं पैसे भिजवा दूंगा कल आपको, या आप दोनों मेरे साथ ही रहने चलिए। नहीं भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होंगे, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, माफ करना। दो हफ्ते बीत जाते हैं, दोनों जैसे तैसे घर चला लेते हैं और कहते हैं, बहू तूने अपने भाई से तो कह दिया, पर हम ऐसा क्या काम करें जिसमें हमारे कम पैसे लगे और मुनाफा ज्यादा हो। हमारा घर जलकर खाक हो गया, इसमें सामान लाकर और रंग रोगन करवाना होगा। माँ जी, मैंने सोचा है हम डोसा बना कर भेजें, उसमें ज्यादा लागत और मेहनत नहीं लगती है, फटाफट बनाकर खिला सकते हैं, इन सामान के लिए मैं लोन ले आऊंगी। बहू की बात सुनकर मालती राजी हो जाती है। सुरेखा कुछ लोन उठाकर एक थैला और डोसा बनाने के सामान का इंतजाम करती है। अगले दिन से ही दोनों सास बहू का स्पेशल डोसा बनाने लगती हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म डोसे के साथ नारियल की चटनी और सांभर का मजा लीजिए, मात्र 50 रुपए, 50 रुपए। हाँ आइए आइए, यहाँ मसाला डोसा, पनीर डोसा, चीज डोसा, सास बहू स्पेशल डोसा, अफगानी डोसा, कई प्रकार के डोसे उपलब्ध हैं, तो देर ना कीजिए। अरे यहाँ तो डोसे की नई दुकान लगी है, चल प्रेरणा डोसे को खाते हैं। हाँ चल। दोनों सहेली सास बहू की दुकान पर पहुंचकर डोसे का ऑर्डर करके खाती हैं और कहती हैं, अरे वाह आंटी, आपकी पनीर डोसा और अनियन डोसा तो बहुत मस्त है। हाँ आंटी, ऐसा करिए, आप अपना सास बहू स्पेशल हो, सभी खिला दीजिए और पनीर वाला पैक कर दीजिए, दो दो। ठीक है बेटा, ये लो सास बहू स्पेशल डोसा। अरे वाह गजब, इसके आगे तो मटर पनीर भी फेल है, आहा दीदी मस्त है। ये कहते ही वो दोनों पैसे देकर चली जाती हैं, जिसके बाद एक के बाद एक ग्राहक आते हैं और भीड़ लगने लगती है। अरे दीदी, मुझे 3 प्लेट डोसा पैक कर दीजिए और एक खाने को दे दीजिए। ये लो, और पैक कौन सी करनी है? ये सास बहू स्पेशल डोसा, चीज डोसा और मसाला डोसा। अरे वाह वाह, ऐसा स्वादिष्ट डोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया। पहले दिन ही सास बहू के डोसे की बहुत अच्छी कमाई होती है, जिससे वो डोसे का और सामान ले जाते हैं। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी डोसे की दुकान पहले दिन से ही चल पड़ी। हाँ बेटा, मैंने सिर्फ 1000 रुपए ही लगाए थे और कमाई 7000 की हुई है, लगता है अब हम अपने घर को पहले जैसा नया कर देंगे। हाँ माँ जी। अगले दिन भी सास बहू डोसा बेचकर बहुत कमाई करती हैं और अलग अलग प्रकार के डोसे बेचकर वो मशहूर होने लगती हैं। उनकी 6 महीने की मेहनत उन्हें ठेले से एक बड़ी दुकान में पहुंचा देती है। आसपास के शहरों में भी सास बहू के स्पेशल डोसे की डिमांड बढ़ जाती है। ज्यादा ग्राहक आने से अब सास बहू ने अपनी दुकान में 4 स्टाफ को रख लिया था। तभी एक दिन जाना माना पंजाब का शेफ मोहन राय उनकी दुकान के सास बहू स्पेशल डोसा खाता है और कहता है, अरे वाह, आज तक ऐसा डोसा तो मैंने भी नहीं बनाया। वेटर, यहाँ की ओनर कौन है, जरा उन्हें भेजिए। शेफ की बात सुनकर वेटर सुरेखा को भेज देता है और वो कहती है, जी क्या हुआ, आपको हमारा डोसा पसंद नहीं आया क्या? हाँ जी, पसंद नहीं, बहुत पसंद आया है। मैंने शेफ होकर भी इतना अच्छा डोसा कभी नहीं बनाया। सच कहूँ तो मुझे आपके यहाँ का डोसा काफी पसंद आया है, और मैं चाहता हूँ कि ये लजीज डिश मेरे 5-स्टार होटल में भी आप सब लोग खाएं। तो क्या इसके लिए आप मेरे होटल में आकर शेफ बनना पसंद करेंगी? सच में आपको हमारा डोसा इतना पसंद आया कि अब हम आपके 5-स्टार होटल में शेफ बनेंगे? जी बिल्कुल। पर सर, हमारी दुकान को हम बंद नहीं कर सकते, काफी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं आपके डोसे की शॉप की फ्रेंचाइजी ओपन करा दूंगा, दूसरे शहर में भी लोग खा पाएंगे और आपके स्टाफ भी यहीं रहेगा, आप उसकी अपडेट लेते रहना। आप मुझे 5 मिनट दीजिए ताकि मैं माँ जी से पूछ लूं। ऐसा कहकर सुरेखा अपनी सास को सब कुछ बता देती है। अगर बहू हमें ये सुनहरा अवसर मिल रहा है तो हम इसे जाने कैसे दे सकते हैं? हाँ कर दे उन्हें। खुशी से सास बहू फूले नहीं समाते और शेफ के साथ जुड़कर उसके 5-स्टार होटल में अपने स्पेशल सास बहू डोसा सबको खिलाकर उस होटल को भी फेमस बना देती हैं।
साथ ही उनकी दुकान भी चलती रहती है। उनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है और अपने जले हुए घर को वो एक बेहद सुंदर बंगला बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं। थका मांदा राजीव देर रात घर आता है। जैसे ही वह दीवट से भीतर दस्तक देकर चौकी पर बैठता है, उसकी पत्नी रचना उसकी ओर पानी बढ़ाकर कहती है, क्या बात है जी, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी, माँ बाबूजी आपकी बाट जो कर सो गए। राजीव के चेहरे पर चिंता की सैकड़ों शिकंज थी। रचना पति की इस परेशानी को फौरन भांप जाती है। राजीव, आज आप बड़े बेजान लग रहे हैं। ऐसा जान पड़ रहा है जैसे आपकी जुबान पर बहुतेरी बातों का बोझ लदा है। मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, मुझसे तो अपने सुख दुख साझा कीजिए। पत्नी के पूछने पर राजीव की आंखों से फुहार फूट पड़ती है। रचना, तुम तो बेहतर जानती हो कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिस कपड़ों के मिल में मैं बरसों से काम करता था, आज मिल के मालिक ने हाथ करके की जगह विलायती मशीनें खरीद ली। वो मशीन एक साथ सैकड़ों मजदूरों का काम करेगी, इसीलिए मिल के मालिक ने सभी मजदूरों को काम से निकाल कर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब केवल मिल में मालिक कुछ खास चुनिंदा लोग ही बचे हैं। नौकरी चले जाने के बाद मैं निहत्ता हो चुका हूँ। इकलौता बेटा होने के नाते घर की बागडोर मेरे कंधे पर है। फिर बाबूजी की बदहाली, बीमारी की दवा, दारू, बनिया का बकाया कैसे चुकता होगा। धीरज धरिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाला अपने नेक बंदे भेजकर हम जैसे बेबस लोगों की मदद जरूर करता है। रचना के समझाने पर राजीव सो जाता है, मगर उस रात रचना की आंखों की नींद मानो मीलों दूर डगर जा पहुंचती थी। देखते ही देखते दो दिन बीत जाते हैं। अरे राजीव, क्या बात है बेटा, पिछले दो दिन से तेरे पांव बाहर नहीं पड़े। भरी जवानी ने तू फुर्तीबाज होने की बजाय फूहड़ हो गया है। अरे माँ, आपका बेटा बेरोजगार हो चुका है, मेरी नौकरी नहीं रही माँ। ये सुनकर सुमति कहती है, अरे तेरी कमाई से तो घर बार का दाना पानी चल रहा था, तेरी नौकरी छिन जाने के कारण हम छुच्चे हाथ हो गए हैं। अरे इस महीने तीज का त्योहार है। ये सुनकर रचना कहती है, माँ जी फिक्र मत कीजिए, जब तक राजीव जी को दूजा काम नहीं मिलता मैं औरतों की मेहंदी लगाऊंगी, उससे दो चार पैसे आ जाएंगे, उससे घर का चूल्हा तो जलता रहेगा। अरे बहू बौरा गई है, अरे गांव देहात क्या कहेगा। माँ जी इसमें हर्ज ही क्या है, आपकी बहू मेहनत के बलबूते कमाएगी। घर की बदतर माली हालत देखकर सुमति रचना की मेहंदी लगाने की बात से रजामंद हो जाती है। मगर मेहंदी का मोल कैसे चुकता करेगी, अरे औरतों के हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी तो खरीदेगी। माँ जी नदी के तट के इर्द गिर्द कई मेहंदी की झाड़ियाँ हैं, जब मुझे प्रकृति से मुफ्त में मेहंदी मिल जाएगी तो उसे मोल देकर क्यों खरीदना। रचना मेहंदी के पत्ते तोड़कर घर आती है और उन पत्तों को सील पर पीसकर मेहंदी के कई कोन बनाकर तीज के एक दिन पहले बाजार में मेहंदी लगाने पहुंच जाती है। मेहंदी लगवा लो रचनी, मेहंदी आओ बहनों, सुंदर सुनहरी रचनात्मक रचना की मेहंदी लगवा लो। अचानक एक रईस औरत अपनी बड़ी सी कार से उतरकर रूखे स्वर में पूछती है, अरे ओ मेहंदी वाली, कैसे लगा रही हो मेहंदी। मेम साहब, हर एक मेहंदी पर की जाने वाली मेहनत के हिसाब से अलग दर की दाम है। अगर बेल लगवानी है तो एक हाथ के 50 रुपए, और अगर बारीक मेहंदी लगवानी है तो एक हाथ के सीधे 100 रुपए। तो शुरू हो जाओ, मगर पहले मैं तुम्हारी मेहंदी की कारीगरी का काम देखूंगी, उसके बाद ही दाम दूंगी। वैसे मेहंदी की कीप की क्वालिटी तो एकदम गई गुजरी है, कितनी पुरानी मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हो। मेम साहब, ये मेहंदी एकदम ताजा है, इस मेहंदी को मैंने अपने हाथों से पीसा है। ये बोलकर मेहंदी लगाने वाली बहू रचना बड़े चाव के साथ रमैया को मेहंदी लगाती है। कुछ देर बाद, ये लीजिए मेम साहब, आपके दोनों हाथों की मेहंदी पूरी हो गई। रमैया अपने दोनों हाथों की मेहंदी देखकर दंग होकर कहती है, अरे वाह, क्या सुंदर और बारीक बेल बूटे बनाए हैं तुमने, जितना बखान करूं कम है। मेरे हाथों की मेहंदी देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये लो तुम्हारी मेहंदी की लगाई का मेहनताना। रईस रमैया उस बेबस बहू की मेहंदी माँ सुनहरा बखान करके उसे उसकी मेहंदी के लिए बढ़ चढ़कर मेहनताना देती है। रमैया के चले जाने के बाद कई और औरतें वहाँ आकर मेहंदी लगवाती हैं। सूरज की लालिमा ढल चुकी है, अंधेरा भी घिरने को है, अब मुझे घर चलना चाहिए। रचना मेहंदी लगाकर कमाए पैसे को लेकर घर की ओर अग्रसर होती है। वह बनिया की दुकान से राशन पानी लिए घर आती है। माफ करना माँ जी, जरा सी देर हो गई, ये लीजिए माँ जी मेरे पहले दिन की लगाई मेहंदी की कमाई। रहने दे रहने दे, ज्यादा जता मत कि हम तेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं। एक बात कान खोल कर सुन ले, बहुएं कभी बेटे की बराबरी नहीं कर सकती। माँ जी बहू होने के नाते मैं तो बस घर के बोझ को कम करने की कोशिश कर रही हूँ। ज्यादा बड़बोली बहू मत बन, जल्दी से खाना बना।
सारा दिन औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाकर बेचारी बहू के हाथ जवाब दे रहे थे। ऐसे में सास का सताव भी सहन करना था और ससुराल की बागडोर भी संभालना था। रचना निश्चिन बाजार जाकर एक बोरी पर बैठकर मेहंदी लगाती है और कमाए पैसे से परिवार का पेट पालती। रचना की मेहंदी की सुंदरता बेहद सुर्खियां बटोर रही थी। समय गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद करवा चौथ का त्योहार आता है, तभी गाँव की औरतें किवाड़ खटखटाती हैं। अरे कैसन बात सुमती मौसी, बस काट रहे हैं दुकड़ा, मगर तुझे मेरे घर से क्या काम पड़ गया। मौसी हमके तो से नहीं, बल्कि तुहरी बहुरिया से भेंट करे कबा। अरे रंजन भाभी, बहुते बरस जियोगी सुमती मौसी की बहुरिया, उक्का है ना कल करवा चौथ है। अब भोर परिहार का तो मेहंदी नहीं लगाईबू, ता यही से हम अपन पलटन के संग तुहरे घर में पधार गए। बहुत भला किया, एक काम करिए आप सभी बैठ जाइए। एकाएक सभी औरतें मेहंदी लगवाने की होड़ में बारी बारी से अपने हाथ रचना की ओर बढ़ाती हैं। अरे सुमती मौसी बहुरिया, हमारी दोनों हथेलियों पर दूल्हा दुल्हन वाला मेहंदी लगाई दियो। भाभी आप जानती हैं, ब्राइडल दूल्हा दुल्हन की मेहंदी बारीक होती है, ज्यादा दाम लगेगा। अरे दाम की परवाह नहीं करो बबुनी, मेहंदी लगाओ। रचना बिना रुके हुए औरतों की टोली में मेहंदी लगाने लगती है। कुछ समय बाद सभी की मेहंदी पूरी हो जाती है, तभी रुंझुन रचना की मेहंदी का बखान की बौछार करती है। कितना की नीक मेहंदी लगावत हो रचना, इतनी सुंदर बेल बूटे बनावत हो कि मन ललचा जाते। ये दूल्हा दुल्हन वाली मेहंदी एकदम ऐसन बुझाते मानो मेहंदी सजीव हुई गई है। रुंझुन के साथ साथ बाकी औरतें भी सुमती की बहू की लगाई मेहंदी का बहुतायत बखान करती हैं। रचना अगले महीना माँ हमारी ननदिया के ब्याह बा, उके मेहंदी खातिर हम तोहके अबहीं से ही बुक करत जात हैं। ई लो तुम्हारी मेहंदी का मेहनताना। उनके जाते ही रचना वह पैसे अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी मेरी मेहंदी का मेहनताना। समझ नहीं आ रहा बहू, बाहर मनाओ या फिर रो। और बिल्कुल बहू, मैंने तेरी कला की कदर नहीं की, मगर आज जब मेरी बहू की तारीफ हुई तो मैं ये देख सकी कि सुकड़े सफर पर तू मेरे बिना बढ़ रही है, जाने कब से अकेले ही परेशानियों के बीच पीस रही है। माँ जी जीवन का मोल एक मेहंदी की पत्ती से ज्यादा कौन जानेगा, जो खुद पिस कर दूसरे के हाथों में अपना रंग छोड़ जाती है। बहू अब तो अपनी मेहंदी लगाने के काम को बेझिझक कर। मेहंदी लगाने वाली बेबस बहू को सास का साथ मिल जाने पर उसे बहुतायत हियाव होता है। अब बेबस बहू बेखौफ होकर मेहंदी लगाती है। आज आसपास के प्रत्येक गांव में भी उसकी मेहंदी को पहचान मिल जाती है। अब उस बहू की मेहंदी किसी बात की मोहताज नहीं। सच है साथियों, समय रहते अपनों की कला की कद्र कीजिए, क्योंकि हर इंसान के भाग्य में कलम की कमाई नहीं लिखी होती। कोई गाकर तो कोई नाच कर कमाता है। घर के बाहर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ है और बाराती नाच रहे हैं। श्वेता जब अपनी बहन को लेने जाती है तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होती है और निशा कहती है, हे भगवान अब मैं क्या करूं? मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं, मेरी मेकअप वाली भी नहीं आई, अब मैं कैसे तैयार हूं? बाहर मेरे भैया की बारात रुकी हुई है, वो भी मेरी वजह से। ओहो तो चिंता मत कर, मैं तेरे लिए मेकअप वाली लेकर आती हूं। लहंगा पहने हुए श्वेता चुपके से बारात की दूसरी तरफ जाती है, जहां सारे ब्यूटी पार्लर बंद थे। तभी श्वेता राधिका से टकरा जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। तो राधिका ये बात सुनकर तुरंत उसकी बहन का मेकअप करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसका मेकअप कर देती है, जिसके बाद वो खुद को मिरर में देखकर कहती है, ओह माय गॉड ये मैं हूँ, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतना अच्छा सजाया है। वाओ दीदी आप तो बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे लगा नहीं था कि ये गरीब सी दिखने वाली आपको इतना सुंदर सजाएगी। क्या तुमने मेकअप का कोई कोर्स किया है? हाँ ऐसा ही कह सकती हो, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन अब मैं ये काम नहीं करती। पर क्यों नहीं करती हो? तुमने जिस तरीके से मुझे रेडी किया है उतनी तो मेरे पास फीस भी नहीं तुम्हें देने के लिए। इट्स ओके, मुझे इसका चार्ज नहीं चाहिए, आपके भाई की शादी है, आप जल्दी जाइए। बाय, थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा तैयार करने के लिए। इसी के बाद दोनों बहनें अपनी भाई की बारात में नागिन डांस करते हुए जाती हैं। वहीं राधिका सब्जी लेकर अपने घर पहुंचती है तो उसकी सास पारो कहती है, बहू तुझे आज सब्जी लाने में इतना वक्त कैसे लग गया, क्या कर रही थी बाहर? माँ जी मैं जब आ रही थी तो मुझे एक लड़की मिली, फिर मैंने उसकी मदद कर दी। उसके भाई की शादी थी तो वो मेकअप कराना चाहती थी, बस मैंने उसका मेकअप किया है। तूने फिर से मेकअप का काम करना शुरू कर दिया क्या? नहीं माँ जी, मैंने उस लड़की से एक रुपया भी नहीं लिया। और माँ जी मैं ये काम कैसे शुरू कर दूंगी, ये मेरा शौक था और जो उस एक गलती की वजह से अब रह गया है, अब नहीं मैं करना चाहती। जा अब व्योम को चेक कर, क्या वो ठीक तो है? जी माँ जी। ये कहते ही वो अपने पति व्योम के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। व्योम जी ये मेरी वजह से आपको क्या हो गया, कब आप होश में आएंगे, अब आपका इंतजार और नहीं होता मुझसे।
मेरी वजह से आप कोमा में चले गए, 4 महीने से आप उठे ही नहीं। आखिर राधिका ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उसका पति कोमा में चला गया, और क्यों उसने अपने मेकअप करने के शौक को छोड़ दिया, जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं। राधिका अपने पति के सिर पर हाथ रख कर बैठी थी कि उसकी सास आकर कहती है, बेटा अब वो तो उठने से रहा, काश हम पर इतने पैसे होते कि हम इसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा पाते, पर हम दोनों ने सब डुबा दिया। माँ जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से मुझे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए। 2-4 दिन बीत जाते हैं। दोनों गरीब सास बहू जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चलाकर रह लिया करते थे। वहीं झाड़ू पोछा का काम करके राधिका जो पैसे लाती थी व्योम के इलाज में लगा देती थी। एक दिन निशा राधिका को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी दरवाजा खोलने राधिका आती है और वो कहती है, आप तो वही है ना जिसके मैंने मेकअप किया था? जी दरअसल आपके मेकअप की बहुत तारीफ हुई थी, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। मेरे पास आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी कजन की शादी है जिसमें सभी लोग आपसे ही मेकअप कराना चाहते हैं। जी मुझे माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे प्लीज आप मना मत कीजिए, आपको इसके 3-4 लाख रुपए मिल सकते हैं। आप तो जानती हैं सुंदर दिखना लड़कियों को कितना पसंद है। अरे क्या हुआ बहू, इतनी देर हो गई तुझे? ये पूछते ही राधिका उसे सब कुछ बता देती है। तभी पारो कहती है, बहू हाँ कर दे, कर ले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन। माँ जी आप जानती है ना आपने ही तो मना किया था मुझे। और अब मैं ही तुझे हाँ बोल रही हूँ, ये सोच कि इन पैसों से व्योम का इलाज हो सकता है। राधिका उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अगले दिन ही शादी में 25 से ज्यादा लड़कियों को तैयार करती है। किसी के बाल रोल कर रही होती है तो किसी के वैक्स कर रही होती है। कुछ दिन बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट के 4 लाख रुपए मिलते हैं। हर तरफ राधिका के मेकअप की तारीफ होती है जिससे वो आसपास के मोहल्ले में मशहूर हो जाती है। साथ ही उन पैसों से अपने पति का इलाज करवा दिया। डॉक्टर ने ये आश्वासन दिया है कि उसका पति ठीक हो जाएगा। तभी पारो कहती है, राधिका बहू 2 लाख रुपए अभी भी बच गए हैं। मैं सोच रही हूँ अगर तेरे मेकअप करने से हमें लाखों रुपए का फायदा हो सकता है तो क्यों ना हम छोटा सा पार्लर खोल लें। मैं भी तेरी मदद करा दूंगी, मुझे तो आता ही है, साथ ही रोज के ज्यादा पैसे भी आया करेंगे, तुझे झाड़ू पोछा करने की जरूरत भी नहीं होगी। सच माँ जी क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बहू सस्ते मेकअप यूज करेंगे, ज्यादा महंगे वाले नहीं। ये कहते ही दोनों अच्छा और टिकाऊ वाटरप्रूफ मेकअप लेकर आती हैं और एक पार्लर खोल लेती हैं, जहाँ शुरुआत के ग्राहकों को 50% का डिस्काउंट मिलता है। इसी बात से पहले दिन पार्लर में बहुत भीड़ रहती है, साथ ही उसके मेकअप की हर जगह तारीफ होती है। ऐसे ही एक दिन कोई जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट उसके पार्लर में आती है और कहती है, क्या राधिका तुम ही हो? जी मैं ही हूँ, आप कौन? मैं लैक्मे मेकअप आर्टिस्ट आंचल त्रिवेदी हूँ। ओह माय गॉड आप इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट मेरी दुकान में कैसे? बस तुम्हारा नाम सुनते सुनते यहाँ तक आ गई। क्या तुम मेरा कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकती हो? क्योंकि मेरा शूट है। एक्सक्यूज मी क्या मेरी आईब्रो बन जाएंगी? जी जरूर माँ जी आप इनकी आईब्रो बना दीजिए, तब तक मैं इनका हेयर स्टाइल बना देती हूँ। ये कहते ही राधिका उसका हेयर स्टाइल बनाने लगती है। तभी आंचल कहती है, तुम्हारे काम करने के तरीके से पता चलता है कि तुम कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, मेरी तरह ही। आपने बिल्कुल सही समझा, तो ये सब छोड़ क्यों दिया? अब तक तो तुम बहुत अच्छी जगह होती, तुम्हारी सास भी पार्लर में लगी हुई है तुम्हारे साथ। मैं आपको बताती हूँ 4 महीने पहले मेरा खुद का अच्छा सा पार्लर था। मुझे मेकअप करने का इतना शौक था कि मैं हर दिन मेकअप करती थी। मेरा मेकअप का सुरूर देखकर मेरी माँ जी को भी मेकअप करने की आदत पड़ गई। हम दोनों मेकअप करने में इतने बेशुमार हो गए कि मैंने अपने पति के पैसे को भी महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स पर लगा दिया। फिर एक दिन उनके बिजनेस को बहुत लॉस हुआ। उस बिजनेस को बचाने के लिए हम पर पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने अपना ब्यूटी पार्लर बेच दिया। उसके बाद तो हम गरीब से गरीब होते गए। इस बीच मेरे पति का एक्सीडेंट भी हो गया और अभी वो कोमा में है। ये लीजिए बन गया आपका हेयर स्टाइल। अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है मेरा, थैंक यू सो मच, ये लो तुम्हारे पैसे। इतने सारे? देखो तुम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो और मैं तुम्हारी मेहनत का तुम्हें अदा कर रही हूँ। अब तुम्हें इस तरह दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे सैलून में काम कर सकती हो, वहाँ तुम्हें जितने अपॉइंटमेंट मिलेंगे वो सब तुम्हारे होंगे। आंचल जी मैं आपको किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ, आपने तो मेरे मन का सारा बोझ ही खत्म कर दिया। बेटा तुम बहुत अच्छी हो,
एक सच्चा कलाकार ही एक दूसरे अच्छे कलाकार की पहचान कर सकता है। इस तरह राधिका आंचल के बड़े से सलोन में काम करती है, बड़े बड़े एक्टर्स को रेडी करती है। देखते ही देखते वो बहुत मशहूर हो जाती है और अपने खुद का एक बड़ा सलोन खोलती है, जिसके बाद उसका पति भी ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं।